नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम जो है उसके चार्ज का है। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिथियम ऑक्साइड, दिस इज़ लिथियम ऑक्साइड, और लिथियम ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2। सो ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ठीक है, इसको आपने लाजमी देखना है। ये आपको पेपर के अंदर हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये इन MCQs में नहीं थे, जनरल ट्रेंड्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से रट्टा मार के जाना, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। लाइक अगर हमारे पास सल्फेट्स हैं, बेरिलियम सल्फेट है, वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM Chemist फोर्थ वीडियो ऑफ S and P block element। बाकी तीन वीडियोस जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप इस तरह करें कि मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएँ, वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, किप्स प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, इसको आप सर्च करें, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं किप्स एकेडमी के। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 1A, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, लिथियम आता है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, फ्रांसियम है और सीजियम है, ठीक है। तो दीज एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 1A। अब इसमें से पूछ रहा है कि नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन से बनाते हैं। तो पहले, सबसे पहले तो हमें ऑक्साइड्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। हमारे पास तीन टाइप के ऑक्साइड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, ये मैंने आपको इलेक्ट्रो में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर आप लाजमी देख लें, उसमें लेक्चर नहीं सॉरी जो वीडियो है MCQs की, फुल कंप्लीट मैंने MCQs की बनाई हुई है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आप वो लाजमी देख लीजिएगा। नंबर 2 हमारे पास होते हैं परऑक्साइड्स, और नंबर 3 हमारे पास होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। अच्छा, मेरी वीडियोज़ का ये होता है कि मेरी वीडियोज़ काफ़ी लेंथी होती हैं, उसकी वजह क्या होती है कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवा रहा होता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम जो है उसके चार्ज का है। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिथियम ऑक्साइड, सो दिस इज़ लिथियम ऑक्साइड, और लिथियम ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2, लिथियम के ऊपर चार्ज +1, तो रिजल्टेंटली वहाँ पर चार्ज -2 होगा। और परऑक्साइड जो हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर सुनते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, आप लोगों ने जब ओजोनोलिसिस पढ़ते हो अल्कीन्स की, तो उसमें आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करते हो एंड पे रिएक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो यहाँ पे चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर -1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना होता है -1, तो जब कभी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होगा तो वो क्या होंगे, नॉर्मल ऑक्साइड्स होंगे, जब -1 होगा तो वो परऑक्साइड्स होंगे। और उसके बाद आपके पास बनते हैं पोटाशियम के ऑक्साइड, तो पोटाशियम जो है ये कौन से ऑक्साइड बनाता है, इट प्रोड्यूसेस सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पे चार्ज होता है -1/2, यहाँ पे चार्ज होता है +1, तो या -1/2 या 1/2 को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये बन जाएगा -0.5। तो नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, जो परऑक्साइड्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, दैट इज़ -1, और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वहाँ पे चार्ज कितना होगा ऑक्सीजन के ऊपर, 1/2 या -0.5। ये अब आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की, तो लिथियम जो है, लिथियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि इट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, हेंस हमारे पास राइट ऑप्शन ए होगा। और उसके बाद हमारे पास जो सोडियम है, ये आपके सामने मैंने लिख दिया कि ये परऑक्साइड्स बनाता है। पोटाशियम हो गया, ये कौन सा ऑक्साइड बनाता है, ये सुपर ऑक्साइड्स बनाता है। और रुबिडियम जो है ये भी सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपके पास एलिमेंट इस तरह लिखे होते हैं ना, कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिखे हैं हमें तीन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम और सीजियम, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दीज आर द अल्कली मेटल्स। तो इसमें से पहले वाला जो है नॉर्मल ऑक्साइड, सेकंड वन जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है परऑक्साइड्स बनाने की, और ये बाकी तीनों जो हैं ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आपको एक और रेडियम भी नज़र आता है, लेकिन रेडियम इलेक्ट्रो वो है, रेडियो एक्टिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एंड मेक द सोल्यूशन वेट। कहता है ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से
और एक ब्लास्ट सा हो जाता है। तो कहते हैं वो सोल्यूशन जो है उससे बनेगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास मेटल है, ठीक है, उसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। अब जब सोल्यूशन बनेगा, कहता है वो किस तरह का सोल्यूशन होगा? क्या वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, वो एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, या अल्कलाइन होगा? तो पीएच के कॉन्सेप्ट्स जब आपको मैंने दिए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास स्केल होती है 0 to 7 और 7 to 14। अगर पीएच अबव 7 है तो वो आपके पास सब्सटेंसेस जो होती हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, और बिलो 7 है तो वो आपके पास क्या होती हैं? दीज आर एसिडिक इन नेचर, और एग्जैक्टली 7 पे क्या होती हैं? दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हो, एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अब सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस है, वाटर भी अगर प्योर फॉर्म है तो वो न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल तो आपको समझ आ गई, एसिडिक भी समझ आ गई, बेस एम्फोटेरिक की भी समझ आ गई है। एम्फोटेरिक की नहीं समझ गई। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड भी एक्ट कर सकते हैं और बेस भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब एसिड के साथ भी इसकी रिएक्टिविटी होती है, बेस के साथ भी इसकी रिएक्टिविटी होती है। अल्कलाइन कौन से होते हैं? अल्कलाइन को आप बेसिक भी कहते हो, ठीक है, बेसिक भी आप इसको कह सकते हो। थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर होता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास सोडियम है, ग्रुप 1A में से आप एक एलिमेंट ले लें सोडियम, इसको आपने रिएक्ट किया वाटर के साथ, ठीक है। अब वाटर के साथ आप जिस तरह इसको रिएक्ट करोगे तो वॉयलेंट रिएक्शन हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट इज़ अ बेस, या इसको आप अल्कली भी कहते हो। अब याद रखिए कि वाटर सॉल्युबल बेस इज़ कॉल्ड अल्कली, ठीक है। बस ये इतना सा इसके अंदर फ़र्क होता है। अब यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप बेस क्यों कहते हो? देखो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, रेनियस के लिविस वगैरह सब के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। वहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपके पास HCl है उसको आप वाटर के अंदर ऐड कर दे तो वो आयनाइज होकर क्या बनाएगा? H पॉजिटिव बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। इसी तरह अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, आपने वाटर के अंदर इसको ऐड कर दिया, एक्वस सोल्यूशन बना लिया, तो यहाँ से आपके पास बनेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो एनी स्पीशी दैट प्रोड्यूसेस प्रोटॉन आयन इज़ नोन एज एसिड, और दैट स्पीशी विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इज़ नोन एज बेस इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, ये सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से सोल्यूशन जो होगा या तो बेसिक होगा या फिर वो अल्कलाइन होगा। अल्कली मेटल के केस में हम इनको क्या कहते हैं कि दीज आर अल्कलाइन सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्शन बिटवीन लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर और इसे लिथियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, और ये एसिड बेस रिएक्शन भी है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट होगा। रेडॉक्स आपको मैंने इलेक्ट्रो के अंदर पढ़ाया था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एट अ टाइम हो रही होती है उसको क्या कहते हो? रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स टूट जाना। यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड जो है सॉरी टूट जाता है, वाटर भी यहाँ से ब्रेक हो जाता है, वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लिथियम आप देखिए हाइड्रोक्साइड के साथ बाउंड हो रहा है, तो इसके अंदर एक एसिड एक्ट कर रहा होता है, दूसरा जो है वो बेस एक्ट कर रहा होता है। हिंस हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 44, बेरिलियम एंड बेरियम डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अब कहता है कि बेरिलियम और बेरियम जो है उनके जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ऐसे कौन से ऑक्साइड्स हैं जो ये नहीं बनाते? देखें अगर हम बेरिलियम की रिएक्टिविटी देखते हैं कि हमारे पास बेरिलियम है, उसको हमने ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ और टेम्परेचर होता है तकरीबन 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे हमारे पास बनता है बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपने टू एटम्स के ले लेना है तो ये टू बन जाएगा। अच्छा, ये बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। उसी तरह बेरियम है, बेरियम को अगर आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो इसके लिए भी तकरीबन 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और इससे बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर आप देखो बेरियम, सॉरी दिस इज़ बेरियम, ये बेरिलियम जो है बिलोंग करता है किस ग्रुप से? इस दिस बिलोंग टू ग्रुप 2A, अल्कलाइन अर्थ मेटल से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा -2, यहाँ पे चार्ज होगा +2, और यहाँ पे क्या होता है? बेरियम के ऊपर चार्ज होता है +2, यहाँ पे होगा -1 चार्ज, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो
तो इसे क्या आंसर आएगा आपके पास, नेगेटिव टू, वहाँ पे बेरियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव टू, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो आंसर ज़ीरो और न्यूट्रल आपके पास ये सब्सटेंस है। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव टू आ रहा है तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, और अगर चार्ज नेगेटिव वन आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन से ऑक्साइड्स हैं, दीज आर द परऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि ये क्या कहते हैं, नॉर्मल भी बना सकता है और उसके बाद ये परऑक्साइड्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ द करेक्ट। तो हम जो है तो इसको बेरिलियम की वजह से नॉर्मल ऑक्साइड्स में कैटेगराइज कर देते हैं। ये एसिडिक नहीं हो सकते, ठीक है, बेसिक भी नहीं हो सकते, एम्फोटेरिक भी नहीं हो सकते। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक कुछ लिखवा देता हूँ, अपने पास नोट कर लें। ये एमसीक्यू में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मुझे इसकी सही से समझ नहीं आ रही। देखें, अगर हमारे पास है बेरिलियम, अगर हमारे पास है मैग्नीशियम और अगर हमारे पास है कैल्शियम, तो जब कभी हम इनको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, लाइक अगर हम ले लेते हैं 2M और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा देते हैं और इसको हम हीट कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, वी गेट मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब M जो है ये बेरिलियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। यहाँ पे मेटल जो है ग्रुप 2 का है तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा, तो रिजल्टेंटली यहाँ पे नेगेटिव 2 चार्ज आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। और उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स रह गए, लाइक हमारे पास बेरियम रह गया, स्ट्रॉन्शियम रह गया, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम, अब ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास बनता है MO2। यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, नेगेटिव 1। अब ये कौन से ऑक्साइड हैं, दीज आर द पर ऑक्साइड्स। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम जो है दे फॉर्म पर ऑक्साइड्स। और अगर ही आपके पास मेटल है, इनको आप रिएक्ट करा देते हो हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मेटल के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज, हाइड्रोजन H पॉजिटिव और H नेगेटिव, ये आपको मैंने बताया भाई, ठीक है, इलेक्ट्रो के अंदर बताया था, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बताया था। हाइड्रोजन एटम है, दिस इज़ प्रोटॉन और ये हमारे पास हाइड्राइड आयन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आएगा। और हाइड्राइड, दिस इज़ नॉन एज मेटल हाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड क्यों कह रहे हैं, जब कभी मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेता है तो उसको मेटल हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं, ये होगा एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं देता, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, स्ट्रॉन्शियम वगैरह, ये सारे के सारे रिएक्शन देते हैं, कौन से, ये वाले। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विद क्लोरीन, ठीक है, यही मेटल्स हैं, इनको हमने रिएक्ट कर दिया क्लोरीन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाइक्लोराइड के अंदर पॉजिटिव 2 और ये नेगेटिव 1 चार्ज, ठीक है। ये सारे के सारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके क्लोराइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, दीज आर मेटल क्लोराइड्स। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये इस वीडियो में नहीं है, एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर कर लूँ, क्योंकि ये रिएक्टिविटी हम किस चीज़ की पढ़ रहे हैं, इन्हीं ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स की। Now the next question is 45, which of the following does not react with water even at red hot temperature? अब इसमें से हमने वो मेटल बताना है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट हाई टेम्परेचर। तो राइट ऑप्शन हम इसमें से देख लेते हैं, वो बनेगा बेरिलियम, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है कि बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, जब हम वाटर के रिएक्ट कराते हैं बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, जो कि फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करती है, फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता बेरिलियम। और ये जो बाकी जो आपको मेटल नज़र आ रहे हैं, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, अगर हम इनको रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, लाइक मैग्नीशियम की एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ना, तो इससे क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेंगे, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 46, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज़, अब इसमें से आपने बताना है कि इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, लाइक अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो अब जैसे ही हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास बनेगा बेरिलियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा। इसी तरह अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड को बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट सोडियम बेराइलेट Na2BeO2, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। हेंस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 47, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ लेस सॉलेबल इन वाटर। अब इसमें से हमने बताना है कि लेस सॉलेबल कौन से वाला होगा। दीज आर द हाइड्रोक्साइड, इनके कहते हैं दीज आर द मेटल हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रॉन्शियम। तो याद रखें कि जो सॉलिबिलिटी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की, वो इंक्रीज़ कर रही होती है डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2A में, तो हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है इनकी जो रिएक्टिविटी होगी और सॉलिबिलिटी होगी वो क्या होगी, वाटर के अंदर इंक्रीज़ हो रही होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो लेटेस्ट एनर्जी होती है हाइड्रोक्साइड की, उसमें क्या आ रहा होता है, डिक्रीज़ आ रहा होता है, ड्यू टू डिक्रीज़ इन द लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। और सेकेंड एक रीज़न जो हम लिख सकते हैं, ड्यू टू डिक्रीजिंग चार्ज, ड्यू टू डिक्रीजिंग चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ केटाइंस। सो दीज टू आर द रीजन्स कि जिसकी वजह से हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो सोलिबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज कर रही होती है। सो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है दैट इज़ बेरिलियम, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। और जब आप नीचे आओगे, जैसे ये इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है और स्ट्रॉन्शियम है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये क्या होंगे, ये लेस सॉल्युबल होंगे और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड की, अगर आप इसके साथ OH2 लगा लेते हो। नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3 डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। थर्ड पीरियड है और ग्रुप 3 है, तो बताओ ये कौन सा एलिमेंट बनेगा। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है क्या, 13। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 3p, ये 10, 11, 12, 13, 3 हो जाएगा। यस, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर भी 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है शेल नंबर इसका कौन सा है, थर्ड है। और 2+1 इलेक्ट्रॉन्स कितने वैलेंस शेल के अंदर, थर्ड शेल में 2+1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3-3 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थ्री, इसका मतलब है थर्ड पीरियड है और इसके साथ थर्ड ग्रुप भी है, तो हमारे पास ये एल्यूमिनियम बनता है। हेंस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसमें भी क्या बनता है, Al2O3, इसकी कोटिंग बन जाती है मेटल के सरफेस के ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है जो कि फर्दर रिएक्टिविटी स्टॉप कर देता है, वाटर इसके साथ मज़ीद रिएक्ट नहीं कर सकता। MCQ नंबर 49, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन देन इट प्रोड्यूसेस डैश कलर्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड। कहता है कि आपने रिएक्ट किया एल्यूमिनियम को किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, और इससे आपके पास बन गया क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। उसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम लिख दो और यहाँ पे 3 क्लोरीन लिख दो, इसको आप 2 कर दो, ये बैलेंस्ड हो गया। अब अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का कलर आपसे पूछ रहा है क्या कलर होगा, सो दैट वुड बी पेल येलो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज़ द पेल येलो कलर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, रट्टे वाली बात है, इसको आप रट्टा मारना। नंबर 50, विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। अब इसमें से बताना है कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते। सो एल्यूमिनियम एंड आर्गॉन आर द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है,
के ऑक्साइड बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है। और उसके बाद आर्गॉन जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये वैसे भी क्या होता है, इनर्ट होता है, इजीली किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट, ये तो थे आपके पास MCQs, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कवर कर लिया किप्स का। तो इसके बाद जो है तो स्टार की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आप लाजमी देख लीजिए। सो ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ठीक है, इसको आपने लाजमी देखना है। ये आपको पेपर के अंदर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये इन MCQs में नहीं थे, जनरल ट्रेंड्स हैं। इनको आप अच्छे तरीके से रट्टा मार के जाना, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। लाइक अगर हमारे पास सल्फेट्स हैं, बेरिलियम सल्फेट है, वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट, वी हैव कैल्शियम सल्फेट एंड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या कर रही होती है, वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना है। और इसके रीजंस जो है वो मैंने एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वहाँ पे आपको बताए थे। उसके बाद कार्बोनेट्स बनाता है ये, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ये एलिमेंट्स जो हैं कार्बोनेट्स बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट एंड देन बेरियम कार्बोनेट। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होती है यहाँ पे, अगेन इट शोज डिक्रीज। और हाइड्रोऑक्साइड्स का तो इससे पहले आपको मैंने बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, सो आई थॉट के आई मस्ट शेयर इट विद यू। आई होप सो आप इसको लाइक करेंगे। और इसके बाद नाइट्रेट्स है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलेंगे उसकी तरफ, स्टार एकेडमीज की तरफ। स्टार एकेडमीज के जो MCQs हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IIM केमिस्ट।